देखिए हदीस में आता है कि कोई औरत, कोई शोहर अपनी बीवी को रात को अपने बिस्तर की तरफ बुलाए, ये किनाया यानी हम बिस्तरी करना चाहता हूँ, औरत मना कर दे, फरिश्ते उस पर सारी रात लानत पड़ भेजते हैं। बिल्कुल सही हदीस है। अब हमारे बाद स्कॉलर क्या करते हैं, जब उनसे ये बात पूछी जाए तो वो बात को घुमा देते हैं, सीधी सीधी बात नहीं बताते कि भाई ये शरीयत में मर्द का हक है कि औरत उसको हम बिस्तरी से नहीं रोक सकती, क्योंकि वीमेन राइट्स के नाम पे आजकल बहुत तहरीकें चल रही हैं। तो वो भी कुछ लिबरल स्कॉलर्स हैं जो हर वक्त जो है ना कोशिश करते हैं कि ख्वातीन हमसे नाराज़ ना हो जाएं। तो भाई आप शरीयत का हुक्म बताएं साफ साफ, चाहे औरत खुश होती है नाराज़ होती है, बाज़ हुकूक मर्दों के हैं बाज़ औरतों के हैं, तो वो बताने पड़ते हैं। तो इसी तरह औरत का भी हक, मर्द का भी हक ये है कि औरत अगर मर्द उसको अम्बिस्तरी के लिए बुलाता है तो औरत इस्लाम में मना नहीं कर सकती, उसके लिए गुनाह ही। हाँ बीमार हो तो एक अलग बात है, बुखार है उसको, कोई वाकई बीमारी हो तो फिर एक अलग बात है, नॉर्मली उसको इजाज़त नहीं है कि वो शोहर को मना कर दे। बल्कि इसमें हदीस में बहुत सख्त ताकीद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में यहाँ तक फरमाया कि औरत अगर यानी चूल्हे पे हो, रोटी पका रही हो, इस तरह की हदीस का मफहूम है, यानी बहुत बिजी भी हो तो भी उसको अपनी वो अपने काम को छोड़कर शोहर की ख्वाहिश को पूरा करना पड़ेगा। और ये नेचर के भी मुताबिक है, क्योंकि मर्द में जब ये सेक्स की ख्वाहिश पैदा होती है और उसको कुचला जाए तो मर्द बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। ख्वातीन इसमें अपने आप को मर्दों जैसा समझती हैं, वो समझती हैं हमारा इसमें वही हक है जो मर्द का हक है। भाई अल्लाह ने दोनों की डिज़ायर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क रखा है, तो मर्द को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे, वो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होता है इससे, क्योंकि अल्लाह ने ये डिज़ायर्स औरत की नस्बत मर्द में बहुत ज़्यादा रखी है, थोड़ी ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा रखी है, तो मेडिकली ये बात साबित हो चुकी है। तो दूसरा, एक तो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है वो, दूसरी बात यह कि फिर उसके गुनाह की तरफ तवज्जो जाएगी, वो हराम कामों की तरफ जाएगा। तो इसलिए औरत को इस बारे में मर्द का साथ देना चाहिए। यहाँ फौरन बाज़ ख़वातीन ये सवाल पूछती है कि अच्छा अगर औरत के दिल में ख्वाहिश हो और मर्द वो ख्वाहिश पूरी ना करे तो क्या मर्द पे भी लानत होती है? तो उसका सीधा सीधा जवाब ये है कि नहीं, मर्द पे लानत नहीं होती। उसकी वजह ये है, दो यानी दो और दो चार की तरह मैं साफ बात करूँगा, वजह उसकी ये है कि औरत के लिए मर्द की इस ख्वाहिश को पूरा करने में औरत की कोई एनर्जी नहीं इस्तेमाल हो रही, जबकि अगर मर्द का मूड ना हो और औरत का मूड हो तो फिर मर्द अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर सकता इसके लिए, बहुत तकल्लुफ़ करना पड़ेगा उसको। अखलाकी तौर पर तो ठीक है, मर्द को यही हुक्म दिया जाएगा कि ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन उस पर शरीयत ने लाजिम नहीं किया है, क्योंकि एक चीज़ मर्द के इख्तियार में नहीं है तो लाजिम कैसे हो सकती है? यानी एक आदमी का वो ज़हनी तौर पर तैयार ही नहीं है उसके लिए, तो मर्द के लिए तो जब तक ज़हनी तौर पर तैयार ना हो ये अमल कर नहीं सकता, जबकि औरत कर सकती है। तो एनर्जी जो इस्तेमाल होती है ना इसमें बहुत ज़्यादा, वो तो मर्द की एनर्जी यूज़ होती है, तो शरीयत उसको कैसे पाबंद बना सकती है कि उसके ज़हनी तौर पर वो मेंटली तैयार इसे यानी एक अमल कर सकता है? तो ये जुल्म होता है उसके ऊपर कि वो मेंटली तैयार नहीं है और उसको शरीयत कहे कि अगर बीवी आपसे मुतालबा कर रही है और आप मुतालबा पूरा नहीं करोगे तो आप पर लानत होगी, तो वो उस लानत से बचने के लिए अपने आप को मेंटली कैसे तैयार करेगा? बाज़ दफ़ा तैयार कर लेता है, बाज़ दफ़ा नहीं हो पाता, इसका तो दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तो इसलिए मर्द के लिए तो शरीयत ने हुक्म ये किया है कि चार महीने में कम से कम एक दफ़ा उस पर लाजिम है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे। और वैसे जब ज़ौजा में ख्वाहिश हो तो अखलाकी तौर पर मर्द की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ज़ौजा की ख्वाहिश को पूरा करे, लेकिन शरीयत ने उस पर वाजिब नहीं करार दिया, क्योंकि ये उसके इख्तियार से ऊपर की चीज़ हो जाएगी।